हमने 5,000 डाल दिया है। आज की वीडियो में मैं आपको ये एशियन पेंट का ये देखिए मास्टर स्टॉक ऐप है, तो इस ऐप में जो आपका जो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, जो बाल्टी का क्यूआर कोड जो स्कैन करते हैं, उसके पॉइंट को कैसे अपने बैंक अकाउंट में रिडीम करते हैं वो बताऊंगा। ये देखिए जो लेफ्ट साइड में ये पॉइंट है, देखिए 6,124 रुपये जो ये PTS पॉइंट है, इसको बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो बताऊँगा और मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। उससे पहले अगर आप सब नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ऐसे यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। तो ये देखिए ये पॉइंट हिस्ट्री है, यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये पॉइंट हिस्ट्री मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। ये देखिए 6,100 अवेलेबल पॉइंट है, तो इसको किस तरह से रिडीम करते हो करके दिखाऊंगा। ये बाल्टी वाले पॉइंट होते हैं, बाकी ये आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये टोकन वाले जो टोकन होते हैं आपके, उसको जो आप स्कैन करते हैं उसके पॉइंट अलग ही होते हैं और बाल्टी वाले के क्यूआर कोड वाले स्कैन अलग ही होते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये करंट बैलेंस, ये है अपना टोकन बैलेंस, ये देखिए 160 रुपये। तो ये देखिए मैं आपको पूरी डिटेल दिखाता हूँ, जो मैंने रिडीम किए वो भी डिटेल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए ये 1, 2, 3 ही दिखा रहा है डिटेल। देखिए ये मेरा, देखिए ये 25/11/2023 को मैंने 5,000 रुपये रिडीम किए थे, वो अभी पेंडिंग है, अभी वो बैंक अकाउंट में आए नहीं है। फिर 28 अप्रैल 2023 को 6,900 रुपये मैंने रिडीम किए थे, बैंक खाते में भेजे थे, वो भी अभी नहीं आए, पेंडिंग बता रहा है। उसके बाद देखिए 11 अप्रैल 2023 को मैंने 5,000 रुपये बैंक खाते में भेजे थे, वो मेरा सक्सेसफुल हो गया है, वो मेरे बैंक अकाउंट में आ गया है। तो ये जो पैसे है ये आपके जो आपका टोकन होता है, टोकन को स्कैन करने से उस वाले पेमेंट होती है, ये देखिए उस वाली पेमेंट होती है, ये देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उस वाली पेमेंट होती है, और जो क्यूआर कोड स्कैन वाली पेमेंट ये होती है लेफ्ट साइड में, देखिए 6,124 रुपये। ठीक है जी, तो इसको किस तरह से आपने अपने बैंक अकाउंट में रिडीम करना है वो बताऊँगा मैं, क्या करना आपने क्या करना है। यहाँ देखिए पॉइंट हिस्ट्री पे जाना है, पॉइंट हिस्ट्री पे जाने के बाद यहाँ देखिए नीचे बॉटम में रिडीम पॉइंट लिखा है, इस पर क्लिक करना है। देखिए इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, देखिए अवेलेबल लॉयल्टी पॉइंट, ये देखिए 6,124 रुपये। तो ये देखिए यहाँ पे दिया है, ये देखिए 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ नीचे देखिए विड्रॉल पॉइंट ट्रांसफ़र टू बैंक, ये देखिए फिर यहाँ दिया है 5 पॉइंट, जो 5 पॉइंट होंगे उसके आपको कितने मिलेंगे, 1 रुपये मिलेंगे, जो 5 पॉइंट होगा उसका 1 रुपये मिलेगा। तो हम यहाँ पे डालते हैं, ये देखिए हमने 5,000 डाल दिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र बता रहा है, इंस्टेंट ट्रांसफ़र नहीं बता रहा है, तो आप इसको बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंस्टेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कुछ दिन ले लेगा, अगर आप इंस्टेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो तुरंत हो जाता है। वो कैसे हो जाता है मैं दिखाता हूँ आपको, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ रिडीम हिस्ट्री। ये देखिए ये है बैंक ट्रांसफ़र, देखिए 1200 रुपये किए थे मैंने इसके क्यूआर कोड पॉइंट के, तो ये 29 मार्च 2023 का है, 1200 रुपये अकाउंट में आ गए थे। ये गिफ्ट कार्ड कुछ भी नहीं है, इंस्टेंट पॉइंट। ये देखिए रिडिप्शन अमाउंट, देखिए 1000 रुपये, ये इंस्टेंट पेमेंट है, ये देखिए ये तुरंत जैसे आप रिडीम लगाते हो तुरंत आपके अकाउंट में आ जाता है। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ पॉइंट में,
ये इंस्टेंट पेमेंट नहीं बता रहा है, एक मिनट वेट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास है, ये रिडीम पे जाते एक बार और ट्राई मारते हैं 5,000। तो ये अभी इंस्टेंट रिडीम नहीं आ रहा है, तो मैं अभी इंस्टेंट रिडीम नहीं आ रहा तो मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपको पता ही है मैंने दिखाया है। अभी मेरी 2-3 पेंडिंग पड़ी है पेमेंट, मैं दिखाता हूँ एक बार और। ये देखिए जी, ये देखिए अभी मेरी 2 पेमेंट पेंडिंग पड़ी है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए 6,900 की पेंडिंग पड़ी है, 5,000 की भी पेंडिंग पड़ी है। ये बहुत समय लगा था, आप खुद ही देख लीजिए। ये 1 अप्रैल को लगाया था मैंने, ये 28 अप्रैल को लगाया। अब 28 अप्रैल मई हो गया, मई का भी आज कितनी 6 तारीख हो गई। तो ये मैंने फिर 25 मई को लगाया था, देखिए ये मई की भी आज कितनी तारीख हो गई, आज 28 तारीख हो गई है। तो देखिए अभी तक पेमेंट आई नहीं है, तो इसलिए जो अपना ये टोकन का है, टोकन पॉइंट है, मैं दिखाता हूँ एक मिनट आपको। एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए जो टोकन पॉइंट का है, बैंक ट्रांसफर ही बता रहा है, इंस्टेंट रिडीम नहीं बता रहा है। तो मैं अभी इसको रिडीम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर बैंक ट्रांसफ़र करूंगा तो ये देखिए बैंक ट्रांसफ़र करूंगा तो ये पेमेंट फंस जाएगी। ये देखिए 5,000 पॉइंट के कितने मिलेंगे, 1,000 रुपये मिलेंगे। ये देखिए आपके सामने है, यहाँ प्रोसीड पे नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं तब करूंगा जब यहाँ इंस्टेंट रिडीम आएगा। तो मेरे को अभी इंस्टेंट रिडीम नहीं आया तो मैं इसको नहीं करूँगा। तो ये देखिए आपको मैंने बताया 5 पॉइंट के 1 रुपये मिलते हैं, तो 5,000 के 5,000 पॉइंट के 1,000 रुपये बनेंगे। तो मैं अभी रिडीम नहीं लगाऊंगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया ये पॉइंट को किस तरह से रिडीम करते हैं। ये जो पॉइंट होते हैं QR कोड स्कैन के, जो बाल्टी के QR कोड जो भी है आपका QR कोड रहता है प्रोडक्ट पे, उसके स्कैन के ये पॉइंट होते हैं, उसको किस तरह से बैंक में ट्रांसफ़र करते हो मैंने बता दिया है। तो आप लोग भी तभी बैंक ट्रांसफ़र करें जब इंस्टेंट वो आए, ऑप्शन आए। तो मैं वेट करता हूँ कब तक मेरे को मिलता है बैंक ट्रांसफ़र इंस्टेंट पेमेंट। तो मैंने आपको दिखा दिया पहले भी, मेरे को देखिए इस तरह से मिला था। ये देखिए, ये देखिए इंस्टेंट पेमेंट, ये देखिए इंस्टेंट पेमेंट। देखिए मैंने 5,000 का पॉइंट का लगाया था तो 1,000 मिला था, ये तुरंत उसी टाइम आ जाता है जैसे लगाते। तो मैं वेट करूंगा जब मेरे को मिलेगा तब मैं इसको इंस्टेंट रिडीम लगाऊंगा। तो अभी वेट करते हैं। तो आप लोगों को मैंने बता दिया किस तरह से आपने करना है पॉइंट रिडीम। तो ये देखिए अभी आ नहीं रहा तो मैं नहीं करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।